मैं राघवेंद्र नारायण की शिक्षक भवानी शंकर उच्च विद्यालय सुंदरगढ़ आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये छात्रों, आज हम लोग कविता मनुष्यता के ऊपर चर्चा करेंगे। यह कविता दशम श्रेणी में है। ये कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविताओं में मनुष्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से पद्यों एवं कवि परिचय के बाद प्रश्नोत्तर के तरफ जाएंगे। कवि परिचय में ऐसी सरगुप्त जी हैं। का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीर गांव नामक ग्राम में 1886 ईस्वी में हुआ था। ये कई भाषाओं के जानकार थे। बचपन से ही के प्रति उनका लगाव था। के प्रति समर्पण भाव को देखकर उन्हें राष्ट्र कवि का होने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपने काव्य का आदर्श बनाया। हमने कि उनके द्वारा सुखंड काव्य की रचना की गई है। भारतीय उपेक्षित महिलाओं का कम किया गया है। साकेत, वर्षी, इन महिलाओं को छोड़ दिया गया था इतिहास के पन्नों में। उन पर उन्होंने दृष्टिपात किया है। उर्मिला, यशोधरा, महात्मा बुद्ध की पत्नी, इन सब महिलाओं का चरित्र चित्रण उन्होंने अपने खंड काव्य में बहुत अच्छी तरह से किया। प्रस्तुत पद जो मनुष्यता है, में मूल शब्द जो है इसका वह मनुष्य है। मूल शब्द मनुष्य है। मनुष्य शब्द में ता प्रत्यय लगा और शब्द निर्माण हुआ मनुष्यता। सिर्फ मनुष्य में जन्म लेने से ही हम मनुष्य नहीं कहला सकते हैं। मनुष्य की गुण मानवीय गुणों का होना आवश्यक है। प्रस्तुत पद में उसी का चरित्र चित्रण कवि ने किया है। इसलिए हम लोग देखेंगे जो मनुष्यता आखिर है क्या, उनकी जो रचनाएं हैं मनुष्यता, उसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके। विचार लोग की मर तो हो न मृत्यु से, डरो कभी मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। हुई नहीं नहीं सुमृति तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें जो शब्द आए हैं कठिन, मर्त्य मरणशील, पशु प्रवृत्ति, सुमृत्यु ऐसी मृत्यु के काम आए। भारतीय संस्कृति में या धर्म ग्रंथों में आप दधीचि का नाम सुना होगा। उन्होंने जन कल्याण के लिए अपनी अस्थि दान की थी। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा करने के लिए श्मशान घाट तक का सफर किया या वहां नौकरी की। तो ऐसी मृत्यु जो किसी के काम आए। अदिति तीर्था माने बेकार, काम का नहीं। यह कठिन शब्द है। यहाँ पर हम लोग उसके भावार्थ को देखेंगे। कवि गुप्त जी के विचार से जिसने भी इस धरा पर जन्म लिया है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा। अर्थात यह जो है मरेगा या मृत्यु जो है वह ध्रुव सत्य है। वह जन्म के साथ ही लगा हुआ रहता है, पीछा करता हुआ रहता है।
इसलिए कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसा हो कि मरने के बाद भी हम अमर होकर रहें, इसके लिए हमें जीवन में सुकर्म करना होगा, वरना मरने के बाद कोई भी हमें याद नहीं रखेगा। जो व्यक्ति दूसरे के काम आता है वह कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि वह कभी भी अपने लिए जीता नहीं है। पशु जिस प्रकार अपने आप मरते हैं, उसी प्रकार की प्रवृत्ति मनुष्य में भी कई बार दिखाई देती है, जो ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा मनुष्य की मदद करने में प्राण दे देना चाहिए। ये हुए भावार्थ इसके। अब इसको थोड़ा और हम लोग इसके अलावे समझने का या आलोचना करने का प्रयास करते हैं। पर मृत्यु का संपर्क जो है वह चोली दामन का संपर्क। जन्म के दिन से ही मनुष्य की मृत्यु होना निश्चित हो जाती है। अब इस जीवन में जैसा कि इसका शीर्षक है मनुष्यता, हमारा मैं मानव जीवन धारण किया हूँ, मेरे कुछ कर्तव्य हैं लोगों के प्रति। क्या संस्कृत में जैसे इसके लिए कहा गया है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात कोई विपत्ति में हो अधीर हो, हमें जितना हो सके संभव शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। प्रकार का कि मनोभाव जिस व्यक्ति में रहता है वह मरने के बाद ही अमर हो जाता है। का जीवन ही समर्पण की भावनाओं से ओतप्रोत है। वह दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए हर समय तत्पर रहता है। मन में एक भावना रहती है कि किसी को मदद करो, तो मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, क्योंकि पशु हमारी मदद नहीं कर सकते। तो वह मनुष्य वह है जो जीवन मनुष्य जीवन पाकर दूसरे के लिए कुछ सोचे करे, क्या करने के लिए तत्पर रहे। मनोभाव ऐसी होनी चाहिए। ऐसे तो जन्म के साथ मृत्यु है, मरना तो है ही, तो सुमृत्यु का यहाँ अर्थ होता है, यहाँ जो सुकर्म हुआ या जो सुकर्म करेगा उसे सुमृत्यु होगी। यहाँ सुकर्म की चर्चा की गई है, जो सुकर्म या सुमृत्यु जो है यहाँ पर जो सुमृत्यु या सुमृत्यु, सु का अर्थ होता है अच्छा, मृत्यु का अर्थ होता है मरना। तो वह आदमी जो अपने जीवन में अच्छे कर्मों के लिए जाने जाते हैं, सभी का कहना है कि उनकी मृत्यु नहीं होती, वे अमर हो जाते। तो यहाँ यह सुमृत्यु के लिए ही हम लोगों को प्रयास करनी चाहिए, ऐसे कवि की धारणा है। कर्म तो सत्कर्म या सुकर्म, यहाँ पर जो सुकर्म कहा गया है कवि के द्वारा या सत्कर्म, सत्कर्म के लिए हमें ही करना पड़ेगा। हमारी ऐसी मनोवृत्ति होनी चाहिए, हमारी ऐसी चिंताधाराएं होनी चाहिए कि लोग ईश्वर के दरबार में या समाज के नजर में ऐसा प्रतीत हो जो वह व्यक्ति महान है। क्योंकि हिंदू धर्मों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं के कारण उन लोगों को आज याद किया जाता है या इतिहास के पन्नों में वे पढ़े जाते हैं, उनकी चर्चाएं होती है। तो यहाँ पशु प्रवृत्ति का जो वर्णन कवि ने किया है, पशु प्रवृत्ति क्या है, वह मनुष्य जो सिर्फ अपने लिए ही सोचता है,
की सोच सीमित होती है। वैसे व्यक्ति को तो पशु प्रवृत्ति का कहा गया है। हमें मनुष्य जीवन पाकर पशु प्रवृत्ति से हर समय बचना है। समाज के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए हमें सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने की शक्ति ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान की। कहने का तात्पर्य, जो अपने जीवन में सत्कर्म या सुकर्म को अपनाना चाहिए, पशु प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए, ना हो सके दूसरों की भलाई की सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। तो अपने पेट भरना बड़ी बात नहीं है, दूसरों के लिए सोचना या करना बड़ी बात। तो कभी इस बात पर बार बार हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो भाई हम कुछ करें, दूसरे के लिए जिए, दूसरे के लिए मरें। अगर हम दूसरे के लिए मरते हैं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, हम अमर हो जाएंगे। आप लोग देखते होंगे इन लोगों ने त्याग किया है, उसका नाम बार बार हम लोग लेते हैं, उनकी तस्वीरें कार्यालय में या शिक्षा अनुष्ठानों में लगाए जाते। वह उस चीज से प्रेरणा लेकर हमें यह सोचना चाहिए जो हम भी कुछ ऐसा करें, जो मेरे तस्वीर को लोग लगाए, जन्मदिन पालन हो, मृत्यु दिन पालन हो, वही आदमी अमर हो जाता है, ऐसा कवि का यहाँ कहना है। और अपने आप के लिए, अपने सोच के लिए, अपने कर्तव्य के लिए पशु की तरह नहीं होनी चाहिए। आप ही चरे, अर्थात जो पशु है वह आप ही चरे का अर्थ यहाँ है, जो सिर्फ अपने लिए ही सोचता है, उसमें कुछ कारण भी है, क्योंकि भगवान ने वो विवेक नहीं दिया है। मनुष्य के पास विवेक है, जिसके कारण वह अच्छे बुरे में अंतर मालूम करता है। तो अपने विवेक से काम लेकर हर एक मनुष्य को चाहिए सुकर्म या सत्कर्म में अपने को लगाए, दूसरे के लिए सोचे, दूसरे के लिए कुछ करे यथासंभव। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर है, कवि किससे न डरने की बात कर रहे हैं? कवि मृत्यु से न डरने की बात कर रहे हैं, यह इसका उत्तर हो गया। इन विशेष जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जो मृत्यु से न डरने की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जन्म हुआ है। संत कबीर ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चर चले, कोई बंधे जंजीर। अर्थात जाना तो सबको है ही यहाँ से, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठ के जाएगा, कोई जंजीर से बंद कर जाएगा। सिंहासन पर बैठने का अर्थ यहाँ है, कभी ने सुमृति की जो बात कही, परोपकार की जो बात कही, दूसरे के लिए जो मदद की बात कही, वही व्यक्ति सिंहासन पर बैठ जाता है, ऐसा अर्थात वह अमर हो जाता है, ऐसा संत कबीर का कहना है। दूसरा प्रश्न है, मृत्यु कैसी होनी चाहिए? उत्तर, मृत्यु सुमृत्यु होनी चाहिए। प्रश्नोत्तर के हिसाब से ठीक है, विशेष में आप विशेष जानकारी के लिए और मैं उस पर कुछ प्रकाश डालता हूं। मृत्यु होनी चाहिए, अर्थात जो अच्छे कर्म करेंगे, कर्मणश्च वाचिकारस्तु मा फलेषु तदा, तो अच्छे कर्म करेंगे मृत्यु भी अच्छी होगी, मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें जानेंगे, नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा कवि का मानना है या हम लोग भी
समाज में देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, मृत्यु होने पर लोग क्या करते हैं? का उत्तर है, सुमृत्यु होने पर लोग हमें याद करते। प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो गया, लेकिन मैं विशेष प्रकाश डालना चाहता हूँ, सुमृत्यु होने पर लोग हमें याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? नाम लेकर, तस्वीर बनाकर, कार्यालय में रखकर, विद्यालय में रखकर। आप देखते होंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोग जयकारा लगाता है, अनेक नाम आते हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि। तो क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनकी सुमृत्यु हुई। अगला प्रश्न है आपका, कवि के अनुसार पशु प्रवृत्ति क्या है? केवल अपने लिए जीना ही पशु प्रवृत्ति है। प्रश्न उत्तर है आपका, और इस पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। केवल अपने लिए जीना ही पशु प्रवृत्ति है। हमें मुख्य रूप से जानना जरूरी है कि मनुष्य और पशु में आखिर अंतर क्या है। यहाँ मनुष्य और पशु की चर्चा बार बार कभी कर रहे हैं। एक विवेक मनुष्य के पास है, एक शब्द का अर्थ होता है समझ, अच्छे बुरे में अंतर, क्योंकि पशु के पास नहीं, सिर्फ मनुष्य के पास। हम कुछ गलत करते हैं तुम जानबूझ कर ही करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने गलत किया। मनुष्य को कहते हैं, किसी पशु को नहीं कहते हैं जो वह गलत किया। क्यों? क्योंकि पशु विवेक शून्य है, मनुष्य को ईश्वर ने विवेक दिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य किसे कहा गया है? जो मनुष्य दूसरे के लिए जीता मरता है वही मनुष्य कहलाता है। इस स्थिति में तो मनुष्य दूसरे के लिए जीता मरता है, सिर्फ जीने की बात कभी नहीं कह रहे हैं, मरने की बात भी कह रहे हैं। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए, अनेक संत हुए, अनेक महात्मा हुए, अनेक ऋषि महर्षि हुए, तो अपने जीवन को ये बलिदान कर, धर्म के लिए हो, समाज की रक्षा के लिए हो, उन्होंने कभी अपने शरीर पर मुंह नहीं किया, किसी दधी की समाज कल्याण के लिए अपने अस्थि का दान कर दिया, एक कबूतर को बचाने के लिए राजा अपने शरीर का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाने लगे। क्या भारत में ही संभव है? शायद दूसरे देशों में ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए उन्होंने कहा, कवि ने, जो मनुष्य दूसरे के लिए जीता और मरता शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, जीना और मरना का भी दूसरे के लिए है और मरता भी दूसरे के लिए है, ऐसे मनुष्य को ही अमर हो जाते हैं। लोग मृत्यु के बाद याद करते हैं, इतिहास के पन्नों में रह जाते हैं, कार्यालयों के तस्वीरों में रहते हैं, स्थानों के तस्वीरों में रहते हैं। तो इसलिए सारांश इसका यही है कि मनुष्य अपने जीवन के लिए हर समय, अपने जीवन के लिए नहीं दूसरे के जीवन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न है आपके, समानार्थक शब्द, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक, पर्यायवाची, विश्लेषण करने पर दोनों के अर्थ अलग अलग है, पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द, लेकिन साधारण भाषा में हम लोग दोनों को एक मान लेते हैं और उसी के हिसाब से प्रश्नोत्तर करते हैं।
पहला शब्द है मर्त, मृत्यु, मरणशील, दूसरा है वृथा, विकार, व्यर्थ, काम के लायक नहीं, पशु, जानवर, जंतु, डर, भय, खौफ, मनुष्य, आदमी, काम, थोड़े सारे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं किया गया है, कुछ आप लोग ऐसे कर सकते हैं पढ़ने के बाद या समझने के बाद, इसलिए थोड़े प्रश्नों का उत्तर किया गया है।